हेलो दोस्तों, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू ये कॉस एक्स से इसमें इंटू हो जाएगा। देखिए तो ये कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स में इंटू हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों यहां पर i इज इक्वल टू ये अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, देखिए यहां पर अलग अलग कर दिए तो इंटीग्रेशन और डी एक्स लग जाएगा, इंटीग्रेशन और डी एक्स लग जाएगा। तो यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉट एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी जोड़ देंगे तो ये आई का हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है टेन इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। ये टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए यहां पर डी एक्स थोड़ा अलग लिख दीजिए नहीं तो लगेगा कि, देखिए डी एक्स अब यहां पर हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है तो टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा वन होगा, तो वन तो टू इंटू वन ये हो गया। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। देखिए उसके बाद आई इज इक्वल टू यहां पर ये हुआ हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखिए सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ये हुआ, ये देखिए ये प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखिए ये माइनस वन ये माइनस वन ये माइनस वन ये माइनस वन माइनस टू हो गया, माइनस टू से ये प्लस टू खत्म हो गया कैंसल हो गया ये डी एक्स। देखिए उसके बाद आई इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। देखिए दोस्तों अगला है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये है देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू बाई, देखिए साइन एक्स इसको कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये देखिए टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये दो कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक कॉस एक्स यहां पर एक कॉस एक्स अलग कर देंगे, देखिए कॉस एक्स एक कॉस एक्स यहां पर एक कॉस एक्स यहां पर कर देंगे इंटू डी एक्स। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू ये हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया टू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स वन बाई कॉस, ये हो जाएगा सेक एक्स हो गया डी एक्स। देखिए उसके बाद आई इज इक्वल टू सेक का क्या सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, ये टेन एक्स लिख दिए और
टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस टू सेक एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। हमारा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू दिया रहता है उसको हम सेट करते हैं, उसको ऐसा सेट कर देते हैं ताकि वो हमारा आ जाए किस में, वो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में जैसे आएगा हम इंटीग्रेशन का वैल्यू लगा देंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर लिख देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है ये, इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है उसको उसको ट्रांसफर करके हम फॉर्मूला में ले आते हैं, फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं। उसके बाद जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाता है तो हम इसका देखते हैं कि sec स्क्वायर x है तो इसका tan x इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan x into sec x ये हो जाता है sec x, फॉर्मूला जैसे आया फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको I इज इक्वल टू लिख देंगे, देखिए इसको अलग अलग कर देंगे, इसको लिखेंगे 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख दिए, देखिए अलग अलग कर देंगे बाई 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ट्रांसफर होने के बाद यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा फॉर्मूला में सेट हो जाए, हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाए। और जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा हम फिर उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे और हम रिजल्ट लिख देंगे। देखिए तो ये हम क्या किए, अलग अलग कर लिए, उसके बाद आई इज इक्वल टू देखिए इसको लिखेंगे 3 ये cos बाई cos x बाई sin x, ये फैला दिए, फिर इसको लिख देंगे 1 बाई sin x, लिख दिए, ये sin को दो बार लिख दिए क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 4 ये sin ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x dx, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये हो गया तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखिए 3 ये cos बाई साइन cot x, 1 बाई साइन cos x, देखिए ये 4 cos स्क्वायर x dx। देखिए दोस्तों यहां पर I इज इक्वल टू 3 देखिए ये cot x इंटू cos x है तो cot x इंटू cos x का क्या होता है माइनस cos x, तो यहां हो जाएगा माइनस 3 cos x, cos x का क्या होता है cos स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, माइनस cot x, तो 4 cot x प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए दोस्तों लाइट कट गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट समझिए, इसका 3 cot x इंटू cos x, तो ये 3 cot x इंटू cos x, तो इसका हो जाएगा माइनस cos x, तो यहाँ पर माइनस 3 cos x लिख दिया, उसके बाद cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का माइनस cot x होता है तो माइनस 4 cot x प्लस c जोड़ दिए, तो ये हो गया इसका माइनस 3 cos x माइनस 4 cot x प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अभी देखिए लाइट कट गया था इसीलिए प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा, थैंक यू।